वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि मैं आपके साथ ब्लॉगिंग की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ, तो आज दूसरी वीडियो मेरे इस कोर्स की, इस प्लेलिस्ट की। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, आपका मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर अभी चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैंने जैसा कि आपके साथ वादा किया था कि कीवर्ड रिसर्च पर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि जो कि यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जो मैं मेरा नहीं ख्याल कि जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, या जो मतलब कि टेक्निक मैं जानता हूँ वो शायद यूट्यूब पे हो, लेकिन पॉसिबल है कि हो भी सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि होंगी। बाकी चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो वहीं पे मिलते हैं। मैं आ गया हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि गाइस, मेरी इस सीरीज़ में इंशाल्लाह इन फ्यूचर में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे, कुछ ऐसे अहबाब भी होंगे कि जिन्हें कि ये सभी कुछ पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता होगा। तो मुझे दोनों को साथ लेके चलना है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को साथ लेके चलूँ और जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ हो उसे ही आपके साथ मतलब कि डिस्कस करूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो डिपेंड कर रही है टोटली निच की रिसर्च पर। आज मैं टोटली निच की रिसर्च आपको बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि निच रिसर्च आप की इस कोर्स में क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप पूरे ना लगन के साथ काम करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे बताना होगा कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसके अंदर मोशन इन्वेस्ट के, जिसके अंदर आप वेबसाइट को सेल आउट करते हैं, बाय करते हैं, तो ये सभी कुछ होता है। तो मैं आपको अभी उस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि आप मोटिवेट हो सकें कल को, आप मतलब कि आप इंशाल्लाह ये वाला काम ज़रूर करेंगे, तो आपको मोटिवेशन हो कि यार इस काम में पैसा है तो करना चाहिए। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना अकाउंट लॉगिन कर लूँगा। तो लॉगिन का प्रोसेस सिंपल है, तो सारा कुछ आपके साथ साथ करके दिखाऊँगा आपको। नेट को क्या हुआ है, नेट को क्या हुआ है, डिसकनेक्ट करना होगा। ओहो, कोई कनेक्ट नहीं करना था, कैंसिल। ठीक है, अभी मैं साइन अप करूँगा। मेरा अकाउंट बना ऑलरेडी, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा अकाउंट बनाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। बहुत स्लो चल रहा है नेट, क्या कर रही है यार ये। काम कर, काम क्यों नहीं कर रहा, सिंपल यार ये वेबसाइट बड़ी स्लो हो रही है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं दोबारा ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, ये नहीं हो रहा। मैं क्या करूँगा, मेरा एक अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं उसे साथ लेके चलता हूँ। F19 मिस्टर परफेक्ट 16:20, एज नॉट फाउंड। तो भाई इस ब्राउज़र पे तो मेरा ये नहीं ओपन हो रहा, मैं क्या करता हूँ दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ, दूसरा ब्राउज़र ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने अकाउंट पहले से ओपन किया हुआ है यार, अभी आपको सब कुछ दोबारा करके दिखाना होगा। मैं अभी क्या करता हूँ, इसे लॉग आउट करता हूँ, फिर दोबारा लॉग इन करता हूँ। तो लॉग आउट का ऑप्शन किधर है, ये देखिए। ये मैं दोबारा वही ठीक है, ये जो मेरा यूज़र नेम था और ये मेरा मैंने पासवर्ड लगाया, ठीक है, रिमेंबर मी, और मैं लॉगिन कर दिया अपने आप को, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना, ये देखें यही मैं ईमेल लगा रहा था ना, तो इस तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे जो सर्विसेज मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आप वेबसाइट को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, बाय साइट पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे भी वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, अवेलेबल साइट्स पे क्लिक करूँगा। अवेलेबल वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, तो मैं यहाँ ये जो मेरा इंटरफेस है वो ये यहाँ पे लेकर आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इतनी वेबसाइट है जो कि सेल आउट होने के लिए पड़ी हुई। फिल वक्त मैं एक वेबसाइट को आपको दिखाता हूँ कि एक वेबसाइट मैंने ओपन की, आंसर रोल, आंसर रोल। ठीक
ठीक है, ये 5,610 डॉलर की वो सेल कर रहा है वो बंदा, ठीक है, चैट विद सेलर। अभी मैं नीचे जाता हूँ। अभी ये देखें, इसकी जो मंथली इनकम है वो 165 डॉलर है, ठीक है, और इस पर विजिटर मंथली कितने आ रहे हैं ये देख सकते हैं आप। इसकी डोमेन अथॉरिटी है, मैं बाद में आपको सभी सभी कुछ समझाऊंगा। और ये वेबसाइट क्रिएट कब हुई, इसे अभी 1 साल और 7 महीने में, और इसकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन आपको जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने टोट आपको मस्ट देने होंगे, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो साइट इज करंटली मोनिटाइज हुआ, ये जोइक से अपना मतलब कि ना वो मोनेटाइजेशन हो गई है इसकी। तो मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी वेबसाइट के मतलब के गूगल एडसेंस ही अप्रूव हो या कोई और मतलब के, इसके अलावा मोनेटाइजेशन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप अगर गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं करता तो फिर कोई और आप देखें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी ये गूगल एनालिटिक भी आएगा तो देख लें। इसका जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 6,304 जो यूज़र हैं वो व्यूज़ आ रहे हैं तकरीबन डेली के, 3,904 न्यू यूज़र हैं, इतनी इंगेजमेंट हो रही है। तो गूगल से ये टोटली कितनी, ये ऑर्गेनिक आ रहे हैं, ऑर्गेनिक व्यूज़ इतने आ रहे हैं इसके, तो देख सकते हैं आप मतलब कि ये टोटली रैंक हुई वेबसाइट से। तो मोबाइल पे सबसे ज़्यादा इसे देखा जा रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप पे कम और टैबलेट पे भी कम देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो यूएस के आ रहे हैं, यूएस के ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, वहीं के उसके व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये थी, जब ये मोनेटाइजेशन इसकी स्टार्ट हुई है तो 3 डॉलर से इसने स्टार्ट किया है। तो ये अब क्या कर रहा है, दिसंबर में इसने 165 डॉलर भी कमाया, नवंबर में 266 डॉलर भी कमाया, अक्टूबर में 241 डॉलर भी कमाया। टोटल जो इसकी अर्निंग हो चुकी है 2,338, ये इतनी हो चुकी है इसकी अर्निंग हो चुकी है। सैमरेश ने इसका मतलब कि वो है इसे रैंक करके दिया, 1.8K व्यूवर्स इसके रैंक हुए हैं। तो अभी करेंगे इस पर भी काम करेंगे बैकलिंक एनालिसिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उससे पहले हम साइट को विजिट कर लेते हैं कि साइट में इतना खास है क्या, साइट किससे रिलेट कर रही है। मैं जब भी बात करूंगा, जब भी मैं आपको नीचे रिसर्च की बात करूंगा, मैं आपके साथ हमेशा माइक्रो निच की बात कर रहा हूँ, मैक्रो निच की बात नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने ध्यान में रखनी। मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी और इसे यहाँ पे पेस्ट करके अब मैं ओपन करता हूँ। नेट बहुत स्लो चल रहा है भाई, नेट बहुत स्लो चल रहा है, क्या करें। अब थोड़े क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड यू डू टू ग्रो दिस साइट। तो वो इसमें सिंपल समझाएगा, दिस इज अ वेबसाइट दैट वी बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप विद जस्ट कॉन्टेंट, नो लिंक बिल्डिंग एंड नो गेस्ट पोस्टिंग, वेयर डन वर डन। तो ये सिंपल क्या है, इसमें सिर्फ सिंपल आपने मतलब उसने जस्ट कंटेंट को अपलोड करने के लिए ये वाली जो वेबसाइट वो बनाई थी। तो डिड यू स्टार्ट द साइट फ्रॉम स्क्रैच, आंसर ऑल वाज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, इस स्क्रैच से स्टार्ट की गई थी वेबसाइट। व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट स्ट्रगल विद दिस साइट, फाइंडिंग टाइम टू रिव्यू एंड अपडेट कंटेंट एज आई वाज बिजी विद सम अदर प्रोजेक्ट। उसने बताया कि मैंने इसका मतलब कि इसे रिव्यू करना, इसे अपडेट करना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस था इसके कंटेंट को, और क्योंकि मैं अदर प्रोजेक्ट में बिजी था। तो जो बस बेसिकली वो बता जो बेसिकली वो ये बता रहा है। और इसमें इंक्लूड होगा नो सोशल मीडिया अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस साइट। अभी ये ओपन नहीं हो रही, मैं आपको दिखाता, ये ओपन हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चंस पूरे कर लें फिर इस पर बात करें। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन दिस साइट, आई हैव ये हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे देता है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसने हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे दिए और इसकी अर्निंग का आप अंदाज़ा लगाएं, इसकी अर्निंग टोटल जो हो चुकी है क्या, और टोटल जो इसकी अर्निंग हो चुकी है 165 डॉलर जो कि मंथली इनकम है, और जो टोटल हो चुकी है वो 2,338 डॉलर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक मतलब इसने अर्निंग कर ली है। और अभी इसे टाइम सिर्फ 1.5 साल हुआ है, 1.5 ईयर। तो इसकी अर्निंग आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हो चुकी है। डू यू आउटसोर्स द कंटेंट, इफ यस आर यू एबल टू पास अलोंग द आई एम, हाउ डिड यू बिल्ड योर बैकलिंक, नो बैकलिंक। देखिए उसने बैकलिंक भी हिसाब नहीं किया फिर भी उसकी साइड रैंक कर रही है। हाउ मैनी टोटल आर,
आर्टिकल चेक करें, 533 उसने आर्टिकल लिखे हैं साइट पर। जितना हो सके उतने आर्टिकल लिखें, जितने ज़्यादा आर्टिकल होंगे उतने उतना ही आसान गूगल के लिए होगा, इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म के लिए होगा कि वो आपकी वेबसाइट को ना रैंक कर सकें। कैन यू गो इन टू, आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड इन रिसर्च, यूज्ड, उसने खुद ही बता दिया है कि आई यूज्ड AI कंटेंट। मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आपने टाइटल कैसे लिखना है, आपने इमेजेस कहाँ पे लगानी है, आपने हेडिंग का कैसे यूज़ करना है, कि सारा कुछ मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम ये समझ लें ये सभी कुछ, ये देखिए डोमेन रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग एक्सपेंस एंड एजोरिक प्रीमियम आर आल। तो इस यहाँ से उसने मतलब कि ये बता रहा है कि व्हाट आर एक्सपेंस देयर विद दिस साइट, कि जो उसने डोमेन की रजिस्ट्रेशन की हो, जितना भी एक्सपेंस उसने किया है उसमें उसकी डोमेन की रजिस्ट्रेशन शामिल है, होस्टिंग एक्सपेंस शामिल है, एजोरिक प्रीमियम शामिल है, इस तरह से कर कर आके वो कितने की सेल आउट कर रहा है, 5610 इतने की वो सेल आउट कर रहा है ये वाली वेबसाइट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इस वेबसाइट पे आपको लाने का मेरा मतलब कि बेसिक मकसद क्या था, ताकि आपके लिए ये देखें ऐड रन हो रहा है तो उसने ऐड अभी ओपन करके दे दी है। तो ये वेबसाइट टोटली बिलोंग करती है स्टोरीज पे, चेक कर सकते हैं आप, उसने स्टोरीज निकाली हैं और सिंपल वो यहाँ पे अपलोड करता है। तो उसके जो टोटल आर्टिकल हैं 533 उसने जो लिखे हुए हैं, अभी व्हाट डू व्हाई होगा इस, ये वो सारा रिलेशनशिप क्वेश्चन, ये जितना भी है ये टोटली वेबसाइट बिलोंग करती है थिंकिंग पे। तो ये सारा कुछ आपको समझाने का मतलब कि रोमांटिक थिंकिंग हो, नेगेटिव हो, या कुछ भी हो रिलेशनशिप्स में, तो ये सारा कुछ उससे रिलेट करती है। अबाउट अस आंसर हो, वी वांट टू सेल ऑन द कंट्री शॉर्ट अस इंटरेस्ट। तो ये थी वेबसाइट। अभी ये इस पर बेसिक जाने का मकसद कोई नहीं है, मैं दोबारा वहीं पे जाता हूँ, बैक जाता हूँ। ये बेसिक आपको मोटिवेट करना मकसद है और कुछ भी नहीं, ताकि आप मोटिवेट हो सकें कि किस तरीके से, देखें इतनी सारी वेबसाइट बनी हुई है, वो इतने डॉलर्स की सेल कर रही है, उसकी मंथली इनकम इतने की है, अभी टाइम क्या हो उन वेबसाइट को। तो आप इससे ये अंदाज़ा तो हो गया होगा कि भाई ब्लॉगिंग से आप पैसा तो अच्छा खासा कमा सकते हैं, बस ये कि आपकी नीच की रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, नीच की रिसर्च अच्छी होगी तो आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं होगा। तो सारी नेट बहुत स्लो चल रहा है भाई, यू वेबसाइट अवेलेबल साइट्स, अच्छा ये वाली साइट हमने क्या कहते हैं अभी विजिट की, इसका जो टोटल जो है वो इतने की वो सेल आउट कर रहा है, इतनी उसकी मंथली इनकम है, और ये जो नीच है इसे इंफॉर्मेशनल है, ठीक है, और इसकी मोनेटाइजेशन इस मतलब के प्लेटफॉर्म से भी हुई है, और विजिटर पर मंथ 25,420 मतलब के इसके विजिटर होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक पे ये नीचे इसकी, ठीक है, और आस्किंग प्राइस वो $850 की वो सेल आउट कर रहा है, मंथली इनकम स्टार्टेड ठीक है $367 इसकी मंथली इनकम है, और 7,000 की ये सेल आउट कर रहा है ये वाली वेबसाइट आउटडोर, इसका जो नीच की सिलेक्शन नीच क्या टेक्नोलॉजी पे $717 इसकी क्या मंथली इनकम है, और 14,000 की ये सेल आउट कर रहा है। तो 13,000 की ये मतलब इसकी मंथली इनकम है, 31,000 की ये सेल आउट कर रहा है, और टेक्नोलॉजी इसकी नीचे है। तो ये भी टेक्नोलॉजी पे $81 इसकी मतलब कि मंथली इनकम है, ये स्टार्टर है अभी, $155 की ये मतलब ये अर्निंग कर रहा है। फैशन पे इसकी सारी वेबसाइट बनी हुई है, 4,500 की सेल कर रहा है, 18,000 की सेल कर रहा है, 805 इसकी मतलब कि मंथली इनकम है, और नीचे क्या है टेक्नोलॉजी, मतलब कि जिसकी नीच की सिलेक्शन अच्छी हो गई है उसकी वेबसाइट रैंक कर गई है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी पैसा कमा सकते हैं, उसने एक मतलब कि टोटली अमेजोन अजोइक अमेजोन एडसेंस अमेजोन, तो मतलब कि बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उन्होंने काम करके मतलब कि वहाँ से वो, आप ऐसा करें, अगर बाद की बातें बाद में आपको बताऊँगा, बहुत से ऐसे टेक्निक्स बताऊँगा जिसके ज़रिए से आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, तो आपको मोटिवेट करना था बेसिक मकसद, तो आपको पता तो चल गया होगा कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू कितना पैसा कमा सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ,
लोगों का अक्सर होता है उनका ना गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता, तो गूगल एडसेंस के अलावा भी अदर प्लेटफॉर्म है जिनके ज़रिए से वो मतलब कि अर्निंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गूगल एडसेंस ही हो। लोग अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरा साल साल हो गया, डेढ़ डेढ़ साल हो गया लेकिन हमारा गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार गूगल एडसेंस के अलावा भी अदर प्लेटफॉर्म है, आप उन पर क्यों नहीं जाते। गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव, ये अभी हमें बताएगा कि कौन कौन से अल्टरनेटिव है। फिर media.net पे क्यों नहीं जाता, ad3 पे क्यों नहीं जाता, amazon associates पे क्यों नहीं जाता, ये वाले साइट पे क्यों नहीं जाता, infolink पे क्यों नहीं जाता, buy sell ads पे क्यों नहीं जाता। ये टोटली जितने भी मतलब के हैं ये सारे मोनेटाइजेशन के प्लेटफॉर्म हैं। वो अगर एडसेंस अप्रूव नहीं कर रहा तो इन पे जाएं, इनके अलावा अगर ये भी नहीं कर रहे तो मोर पे, अभी मैं आपको और भी बताऊंगा, तो मुश्किल नहीं है ये, मुझे और भी निकाल के दे देगा। तो अजोइक भी आ गया, टबोला भी आ गया, तो सभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आपने मतलब कि इसमें मतलब कि पैसा आपने लाजमी कमा लेना है, इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपने। बस ये है कि आपको स्टार्टिंग के जो 4 से 5 महीने वो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा इसके ऊपर। तो गाइस बेसिक जो मेरा मकसद था उस वेबसाइट पे लेके जाने का कि आपको मोटिवेट किया जाए, मोटिवेट होंगे तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। खाली ये नहीं कि आपको पता ही ना हो कि मैं इतनी मेहनत करूं, स्ट्रगल करूं, 4 महीने लगाऊं 5 महीने लगाऊं लेकिन मेरी अर्निंग स्टार्ट ना हो। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि वेबसाइट की लेंथ कितनी और अर्निंग कितनी वो कर चुके हैं। ये सारा कुछ दिखाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि ब्लॉगिंग में पैसा है और बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा, एक एक चीज़ सिखाऊंगा। देखिए निच की आपकी सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए जो कि मैं सिखाऊंगा। अभी ये वीडियो बनाने का बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट थी ये वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत से जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ताकि उन्हें पता चले कि यार ब्लॉगिंग एक छोटी फील्ड नहीं, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत लंबी चौड़ी फील्ड है जो कि सभी को करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, जब तक इंसान है, जब तक दुनिया, जब तक सभी कुछ आबाद है, जब तक इंटरनेट है, तब तक ये ब्लॉगिंग चलेगी, तो क्यों ना हम उससे फ़ायदा उठाएं। तो ये था मकसद मेरा बाकी इस वीडियो को बनाने का। बाकी इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो आगे बहुत लेंथी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मजीद मतलब के कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली सिखाऊंगा किस तरीके से करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह फ्यूचर में ये सीरीज बहुत ज़्यादा हिट होने वाली है, मुझे यकीन है, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ यूट्यूब पर वो कभी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ये है कि पेड जो कोर्स होते हैं वहाँ पे तो मिल जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, फ्री में तो कभी भी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी तो मैं अपने अल्फाज के लिए माजरत खाऊंगा, मैं अपने अल्फाज वापस लूँगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।